पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि आनंद गिरी और इनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, कई मामलों को लेकर अनबन हुई थी। यहां तक कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ तक से निकाल दिया था। उसके बाद समझौता हुआ था क्योंकि जमीन को लेकर भी एक लंबा मसला चल रहा था, जिसको लेकर के बाद में समझौता हुआ। 26 मई को जब ये समझौता हुआ तब ये तीनों लोग मौजूद थे जिनसे कि अब पूछताछ होगी। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता ने। मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। इंदु जी, क्या हुआ था 26 मई को और किस तरीके से आज ये बड़े महाराज जी ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? इस घटना से हम तो कल से ही इतना आहत हैं कि मेरे पास क्षमता ही नहीं है कि मैं किस वर्ड से इस शब्द का, इस घटना का खंडन करूं। 26 मई की जो आपको तिथि याद है, आपके तिथि के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये मई में ये समझौता हुआ था, क्योंकि छोटे महाराज सोशल मीडिया पर बड़े महाराज के लिए कुछ गलत तथ्यों को लिख पढ़ रहे थे और कुछ प्रिंट मीडिया पे दे रहे थे। 2-3 दिन 4 दिन चला था, तो उसके बाद हम लोग मंदिर में जाते थे तो महाराज दुखी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको कह दीजिए जो कुछ कहना है हमसे कहें, बाहर थोड़ा कोई कहने से कोई दे देगा। तो इस बात पर महाराज जी ने उनको फ़ोन किया और उनको बुलाया, और उस पर जो है हम थे, सुशील मिश्रा जी थे, एक एडिशनल SP हैं वो भी थे, और सब लोग महाराज जी के सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते एक मंदिर की अगर कहीं पे किसी मुद्दे को लेके बुराई हो रही है तो हम लोगों का भी दायित्व तो बनता था। लगभग हम 18-20 साल से अभी देखिए मंदिर से ही आ रहे हैं दर्शन करके। मैं मंगलवार को दर्शन जरूर करता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। तो हम लोग आए, समझौता किए, और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आके जो समझौता, मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया वो आपके। और उसके बाद एक वीडियो इन लोगों ने बनाया, वीडियो बना करके डाल दिया। अब इसको मीडिया तोड़ मरतोड़ करके कि हम लोग उसमें हैं, हम लोग तो भाई अगर अपराध है तब होता है जब गलत कुछ हो, समझौता करना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं भाई। हर आदमी, बड़ा आदमी बाप बेटे में अगर झगड़ा होता है तो कोई न कोई समझौता कराता है, और भाई भाई में समझौता होता है तो आदमी कराता है। कोर्ट भी कहती है मीडिएशन जरूरी है, समझौता जरूरी है, तो हम लोग समझौता मई में कराए, उसके बाद काम खत्म हो गया। अच्छा, आपको बता दें कि निर्वाणी अखाड़ा के धर्मदास ने भी महंत की मौत को हत्या बताया है। धर्मदास ने आशंका जताई है कि महंत की हत्या में मठ के लोग मिले हुए हैं। अयोध्या से महाराज धर्मदास जी आए हुए हैं यहाँ पर, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र गिरी जी की मौत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है वो पूरी तरह से गलत है। महाराज जी, आप पुलिस तो सुसाइड मानकर ही जांच कर रही है, तो पुलिस करे, पुलिस के तो काम है सुसाइड जांच करे, चाहे किसी की जांच करे, पुलिस जाने, ये वो पुलिस के विषय, हम तो पुलिस है लेकिन हम बता देंगे कि पूरी की नहीं, लेकिन सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। और जहां पर यहां पर सुसाइड किए हैं यहां पर कभी सोते भी नहीं थे। यहां तो आपको पर लग रहा है साजिश है इसके पीछे कोई? इधर से देखिए, उधर बंद कर दी, इधर से बंद कर दी, इधर देखिए इधर से खुला है। अच्छा,